बिग बॉस के इस वीकेंड का वार पर सलमान खान लगाएंगे एल्विश यादव को जमकर फटकार। सलमान खान लगाने वाले हैं एल्विश यादव की जमकर क्लास। जी हां, आपको बता दें कि इस वीकेंड के वार से जुड़ी एक लेटेस्ट और बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आ गए हैं, जिसमें आप सबको बता दें कि इस हफ्ते सलमान खान एल्विश यादव पर भड़कते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे में आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? साथ ही साथ फुकरा इंसान एल्विश यादव, मनीषा रानी और साथ में आशिका भाटिया जो चारों दोस्त हैं, वो एक दूसरे के दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के फैंडम के लिए दोस्त बने हुए हैं। ऐसा कौन कह रहा है, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें। दरअसल आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर आज लाइव में बेबिका और जिया एक साथ बैठे हुए थे और दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच आपको बता दें कि जिया शंकर ने कहा कि फुकरा इंसान एल्विश यादव, आशिका भाटिया और साथ में मनीषा, ये चारों देखो कैसे एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं, ताकि इन चारों का जो फैंडम है वो इन्हें सपोर्ट करे। अगर चारों में से कोई एक नॉमिनेट हो तो बाकी के जो बचे तीन हैं उनका फैंडम भी इन्हें सपोर्ट करे। ये चारों एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं बल्कि ये चारों एक दूसरे के फैंडम को इस्तेमाल करना चाहते हैं। यह बात सीधा सीधा जिया शंकर ने कह डाली। वहीं दूसरी ओर वहां पर बैठी हुई बेबिका ने कहा कि ये चारों वैसे भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि ये चारों एक ही कम्युनिटी से हैं और अगर एक दूसरे के खिलाफ चले गए तो बाहर जाकर इन चारों पर रोस्ट वीडियो बन जाएगी, इन चारों के फैंस एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। ये बात नहीं बेबिका और जिया कर रही थी। इसी बीच आपको बता दें कि बेबिका ने कहा कि एल्विश यादव कैसे हर किसी के मुद्दे पर बोलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान को तो इस हफ्ते एल्विश यादव की जमकर क्लास लगा देनी चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि बेबिका पूरा का पूरा ठान चुकी है कि बिग बॉस के इस वीकेंड वार में वो एल्विश यादव को सलमान खान से फटकार लगवाना चाहती है। वो चाहती है कि सलमान खान एल्विश यादव पर जमकर बरसें। ये कुछ बातें बिग बॉस के घर के अंदर होती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस हफ्ते जो दो कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हैं, अगर इन दोनों में से एलिमिनेशन होता है तो आशिका जाएगी। वैसे देखने को और सुनने को ऐसा आया है कि इस हफ्ते दोनों में से कोई भी घर से बेघर नहीं होगा। वैसे आपका क्या सोचना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।